हेलो, राम राम, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो हम अभी मेघालय एक्सप्लोर कर रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको हर एक वो चीज़ दिखा पाऊँ जो यहाँ फेमस है। तो आज ही हमारा दूसरा दिन है और ये आप जो मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं, मतलब अभी यहाँ अभी 4 भी नहीं बजे और यहाँ अंधेरा होने वाला है, मतलब अंधेरा हो जाएगा आधे घंटे में। इसलिए मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और हम कल आपको लेके चलते हैं चेरापूंजी। तो चेरापूंजी में तो अभी हमने जैसे पढ़ाई है, सुना है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और मतलब सबसे भारत की सबसे गीली ज़मीन वहीं बोली जाती है। तो फिर मैं हम कल वहाँ जाने वाले हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। सो प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर मैं डेफिनेटली आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो देने वाला हूँ। सनसेट कितना सुंदर लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है पहाड़ के बिल्कुल बीच में से ऐसे निकल रहा है। मुट्ठी बंद कर सकता हूँ क्या मैं इसको? कर लिया, देखो ना, कर लिया। ये हथेली खोल दी मैंने। ये कुछ हमारे विदेशी मेहमान भी, और ये देखिए यहाँ से व्यू देखिए भाई साहब। ये व्यू देखने के लिए बनाया ये बाउंड्री, शानदार यार। ये बैठे हैं मेहमान, भारत के अतिथि देवो बाबा। और ये है आपका लाइट रूम के शानदार नजारे। काफी बड़े एरिया में, वो बहुत दूर दूर तक व्यूपॉइंट है, इसलिए आपको बहुत दूर दूर तक भी लोग दिख रहे होंगे। तो ये खासियत है व्यू इसकी। मजे इस लोकेशन पर ऐसी मस्ती दोस्तों के साथ, मुझे भी मेरे दोस्तों की याद आ गई यार। मोबाइल भी छूट छूट जा रहा है, मन तो कर रहा है मैं भी जाके पाजी के साथ ठुमका लगा दूं। तो ये है मजे। आप लोग आसाम में रहते हैं कि पंजाब से ही आए हैं? पंजाब से यहाँ शिलोंग घूमने। कार से? वाह, ये जुनून चाहिए, बेहतरीन। भाई लोग की मस्ती चल रही, इनको देख के ही आ गया मैं दूर से। हेलो, राम राम, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो हम मेघालय एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम उस पर एक सीरीज बना रहे हैं। मतलब हम 5-6 दिन में मेघालय का मेन सारा पॉइंट आपको घुमाने वाले हैं, जो मेन एरिया है। तो अभी हम पहुंचे हैं लाइट लूम में। लाइट लूम यहाँ का बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, काफी फेमस है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ रस, ये इतनी गाड़ियां हैं यहाँ, और ये पीछे है व्यू। तो चलो चलते हैं, अभी मैं आपको घुमाता हूँ लाइट लूम। ये भी मेघालय में ही है, मतलब मेघालय का सीरीज कर रहा हूँ मैं। मैंने आपको बताया था मैं आपको सारा मेघालय एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। तो मेघालय का जितना टॉप टॉप जगह है मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अभी मैं नया हूँ तो फिर भी मैं आप 100% दे रहा हूँ आपको कि मैं आपको हर एक चीज़ घुमा सकूँ। अभी देखिए आप मेरे पीछे का नज़ारा, मैं जा रहा हूँ आप पास में, मतलब जहाँ व्यू पॉइंट है, और आपको दिखाने वाला हूँ लाइट लूम। आज हमारा मतलब लोग बता रहे हैं कि भैया आज यहाँ पर मौसम बहुत साफ है, वरना ये पहाड़ ना हमेशा ढके रहते हैं। तो शायद हम किस्मत वाले हैं कि हमें ये देखने मिलेगा। तो चलो चलते हैं व्यू पॉइंट की ओर, जहाँ पर ये वो सामने जो नज़ारे दिख रहे हैं ना, वो मेघालय एक्सप्लोर का ये दूसरा ब्लॉग है। तो अभी आप भी साथ में रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब क्या यहाँ दिखाने लायक है। ये देखिए आप नज़ारे, ये देखिए लाइट लूम का ये नज़ारा भाई साहब। ये पहाड़ ना, ये जो सामने पहाड़ है, यहाँ कभी भी बादल आ जाता है, कभी भी ढक जाता है, कभी भी हट जाता है, पर आज हम यहाँ ये वाले पहाड़ यहाँ से क्लियर देख पा रहे हैं। ओ भाई साहब, ये इसी चीज के लिए फेमस है। मतलब यहाँ कभी भी ये जो पहाड़ है ना, कोहरे की चादर ढक लेते हैं, तो मतलब कभी भी ये एकदम से पता पड़े बादल आ जाए और एकदम से पता चले बादल हट जाए। पर अभी तो ये पहाड़ हमें देखने को मिले हैं और ये बहुत लंबी है। अभी तो हम एक पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट उस साइड है, उस साइड भी अपन चल रहे हैं। तो पहले मैं ये दिखा दूं, वरना यहाँ अगर कोहरा आ जाएगा तो ये पहाड़ नहीं देख पाएंगे हम। अभी चलो चलते हैं उस साइड, जो एक और पॉइंट है, फिर वहां को वहां जाके दिखाता हूँ।
थोड़ा और आगे आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा सामने आ रहा है। यहाँ भी मैंने आपको बताया था कभी भी बादल आ जाते हैं, तो अभी देखिए यहाँ ना अभी थोड़ी देर बाद पता पड़ा यहाँ पूरा धुंध हो जाए। अभी वहाँ जो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, और यहाँ ये देखिए यहाँ फॉग आ गया। और अगर आप देखेंगे तो नीचे एक झील भी है, और नीचे गांव भी है, बस्ती भी, नीचे लोग भी रहते हैं, नीचे गांव भी है, और ये गांव के लोग ही यहाँ लोकल फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं। ये देखिए ये नदी कितनी प्यारी लग रही है ना, बिल्कुल लहराती हुई पतली पतली सी, आपको वाइट वाइट दिख रही होगी ये जो आ रही है, ये है लाइट लूम की भाई साहब खासियत। यहाँ कभी भी बादल आ जाता है और कभी भी बादल हट जाते हैं, तो ये जब बस लोग वेट करते हैं कब बादल हटे और कब हम ये नज़ारे देख पाएं। ये देखिए वाव, काफी सारे टूरिस्ट हैं आज। अभी तो उस अभी एक पॉइंट उस साइड भी है, तो अपन उस साइड भी चलते हैं। ये मेघालय का बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ बहुत रश है और आगे तो और भी भीड़ होने वाली है। लाइट लूम नाम से जानते हैं इस जगह को। और ये जो पहाड़ है ना, हम किस्मत वाले हैं कि हमें ये दिख रहे हैं। सांस इसलिए फूल गई क्योंकि मैं वहाँ उधर था ना नीचे, तो ऊपर आया तो ऐसा हो गया। तो ये अच्छा रहा कि आज हम आए तो हमें फॉग नहीं मिला, मतलब पहाड़ में देखने को मिल गए, वरना लोग दिन भर बैठे रहते हैं कब यहाँ से कोहरा हटे और वो देख पाए। तो चलो अभी चलते हैं आगे। ये जी किसी का पेट है ना, ये गुम हो गया, तो ये सिस्टर काफी देर से खुद भी परेशान हो रही है, ढूंढ रही है। आपने तो काफी लोगों से पूछ लिया इसके बारे में। पूछा है, मैं घूम रही हूँ अब कोई अगर। हाँ अब ये घूम भी इसलिए रही है क्योंकि अगर गोदी में घूमेंगे लेके तो कोई ना कोई देख के पहचान लेगा, तो ये अच्छा है कि चलो हम भी बोलते हैं किसी को अगर किसी का पेट। कब से ढूंढ रही है दीदी? 20 मिनट हो गए, 20 आधा घंटा हो गया। अगर यहाँ से वहाँ तक तो कोई मिल ही जाएगा गाड़ियों में अगर कोई होगा तो। चलिए बाकी मैं भी कुछ ना कुछ देखता हूँ। हाँ वेलकम। इसलिए बना इसलिए आपको इतनी चिंता है उसकी, मतलब मेरा वाला जो है ना वो भाग जाएगा, मेरा दिल बैठ जाएगा, तो मुझे पता है। नहीं नहीं ये बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हो। ये किसी का डॉग नहीं मिल रहा है, मतलब देखने से तो लग रहा है पालतू है, ऐसे तो नहीं है क्योंकि है तो किसी का पेट ही वो, पर ये काफी देर से घूम रही है कि उसको मालिक को दे सकें। चलो देखते हैं, अभी मोबाइल तो मैं छोड़ता हूँ, देखते हैं अगर डॉग सही जगह पहुंच जाए तो। यहाँ पे कुछ छोटे 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 रेस्टोरेंट भी हैं, यहाँ वाला आपको मिल जाएगा यहाँ पे सब कुछ, स्नैक्स वगैरह, और कुछ लोकल के लोग यहाँ आसपास फ्रूट्स और ये मैगी मोमोज भी बेचते हैं। वो टेरेस से व्यू पॉइंट भी जा सकती है, और ये भी एक यहाँ का मेन एरिया। मैं जो आपकी पीछे दिखा के आया, यहाँ 3-4 स्पॉट है दिखाने वाले, तो ये भी एक स्पॉट है जो बहुत फेमस है यहाँ का। ये आपको यहाँ भुट्टे भी मिल जाएंगे, मतलब लोकल फूड भी मिल ही जाएगा, और पाइन एप्पल तो आप देख ही रहे हैं जब से हम मेघालय में। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये मेन व्यू पॉइंट है, इसको ही देखने में जल्दी जल्दी, इसलिए मेरी सांस ऐसे फूल रही है क्योंकि मैं वहां से बहुत जल्दी जल्दी कवर करती हूँ आया, क्योंकि एकदम कोहरा ना हो जाए क्योंकि यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है। सो ये जरूरी है कि मैं आपको दिखा पाऊं। ये कुछ बेहद खूबसूरत लाइट लूम के नजारे हैं। ये शिलोंग से तो ज्यादा दूर नहीं है, पर हाँ आपको अच्छा टाइम निकाल के आना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ फॉग हुआ तो आप ये व्यू नहीं देख पाएंगे, तो आपको वेट करना ही होगा। सो जब भी आए तो मतलब जल्दबाजी में तो यहाँ आने का कोई मतलब है नहीं, और सर्दी तो यहाँ गुवाहाटी से तो काफी ज्यादा ही है। वो मैं ज्यादा ना चल लिया तो इसलिए मुझे इतनी लग रही, इसमें भी मेरा काम हो रहा है वरना अच्छा खासा ठंड था। तो ये हो गया यहाँ का फेमस व्यू पॉइंट, देखो फॉग आ गया ना उधर, तो कुछ ऐसे नजारे रहने वाले हैं। चलो और आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ सभी कुछ, और ये काफी फेमस भी है इसलिए आप यहाँ रस देख के समझ सकते हैं कि मतलब आपको, और बहुत बड़ा भी स्पॉट है ना, छोटा स्पॉट होता तो फिर लोग ज्यादा लगते, पर इतने बड़े स्पॉट पर भी आपको काफी लोग दिख ही जाएंगे।
तो वो फॉग आने से पहले अभी तो थोड़ा वो दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, तो हम चल के देख लेते हैं पहले वही, उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको भी। और जो नीचे जो झरना झरना दिख रहा है ना, उधर उधर गांव भी है, क्योंकि आपके साथ मुझे तो यहाँ से दिख रहा है कैमरे, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। ये जो लोकल यहाँ जो स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं वो सब आसपास के लोग ही हैं, तो यहाँ से भी रास्ता है, पर ऐसे नहीं है हम लोग नहीं जा सकते, उनको पता है कहाँ से कहाँ आना होता है, वो लोग तो आते जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। ये नीचे में दिख रहा है गाँव, वो देखिए वो भी दिख रहे हैं। फिलहाल अंधेरा होने से पहले और देख लेते हैं यहाँ क्या क्या मजेदार चीज है। ये काफी बड़े एरिया में ये जो स्पॉट है ना, ये जो पहाड़ है ना, ये जितने बड़े, मतलब जहां जहां से इन पहाड़ों को अच्छे से देखा जा सकता है उतने एरिया में व्यू पॉइंट बना के रखा है। आप जो दूर तक मैदान देख रहे हैं, ऐसी ये बाउंड्री लकड़ी की ये जो जा रही है ना रेलिंग दूर तक, तो ऐसे घुमा के बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया में से इसको। बाकी तो मजेदार ही जगह है, मतलब दिल खुश हो गया यहाँ के। जो दिख रहा है ना वो व्हाइट व्हाइट जो स्पॉट दिख रहा है वो गांव है, वो नदी आ रही है वो, और वो बहुत बड़ी नदी होगी, अपन को यहाँ से दिख रहा है ना कि पतली सी छोटी है। और ये जो लोग लोकल का जो लोग जो स्टॉल लगा रखी है ना यहाँ, ये सब यही लोग हैं। तो ये और ये रास्ता भी अपन को नहीं पता होगा कि कहाँ से, दिख नहीं रहा ना, पर ये लोग ये पहाड़ों में से कहीं से रास्ता है तो ये लोग आ जाते हैं। हाँ ठंड क्योंकि ज्यादा हो गई और मुंह से हवा आने लग गई। अच्छा चलो मिलते हैं कल चेरापूंजी में। बाकी ये तो आपको मजा ही आया होगा ये सब, ये लोकेशन पे तो, क्योंकि ये था ही इतना प्यारा है यार। ये देखिए और ये सामने ये लोकल के लोग यहाँ दुकान लगाते हैं, पर अभी क्योंकि अभी टूरिस्ट का जाने का टाइम हो गया, तो ये भी अपना कि आसपास जो गांव है ना ये वहीं से आते हैं, तो ये भी सब जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ से निकलते ही हैं क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है और ठंड भी काफ़ी है। अभी मेघालय में अभी हम दो दिन से हैं, तो आज मुझे ज़्यादा ठंड लगी क्योंकि ये जिस जगह पर यहाँ ठंडा ज़्यादा ही रहता है। तो चलिए लाइट लूम तो मैंने आपको दिखा दिया है, जो भी मेन जगह है और बहुत ही अच्छे से। और अब ये भी है कि आज कोहरा नहीं था, तो हमको ये पहाड़ भी सब क्लियर देखने मिले। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, और कल तो मैं चेरापूंजी पहुंच ही जाऊंगा, मतलब जैसे हम कल गुवाहाटी में से निकले थे, तो आपने अगर मुझे रेगुलर देख रहे होंगे तो आपने मेरा कल वाला ब्लॉग में देखा होगा कि कल मैंने आपको वो एक लेक घुमाई थी और एलिफेंटा फॉल भी हम गए थे। तो आज मैंने आपको लाइट लूम भी मैं लेके आया, कल मैं आपको चेरापूंजी सोरा और मैं 5 दिन के अंदर ये मेघालय का जो भी फेमस टूरिस्ट प्लेस है ना वो सारा दिखाने वाला हूँ, जो जो कवर कर सकता हूँ वो सब कुछ। मैं निकला इसलिए हूँ कि आप मैं देख सकूँ कैमरे से और आपको दिखा सकूँ कैमरे की आंखों से। तो अभी के लिए चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तो प्लीज़ अभी सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो यार, अभी मेरे 100 भी सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं रोज़ रोज़ नई नई जगह जाके नए नए बेहतरीन वीडियो दूंगा। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आज मैंने आपको एक नई जगह दिखा दी, कल मैं आपको चेरापूंजी लेके जाने वाला हूँ, मतलब आप लोग रेगुलर देखते रहेंगे तो आपको मेघालय तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। तो बस सपोर्ट भी करिए, पर साथ साथ अपने भाई को, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो फिर मुझमें भी एनर्जी आएगी ना, मैं रोज़ आपको बेहतरीन ब्लॉग दे पाऊँगा। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, अभी के लिए बाय बाय सब, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। तो चलो अभी चलते हैं, ठंड भी बहुत हो गई और अंधेरा भी होने वाला है और हमको चेरापूंजी भी पहुंचना है, तो उससे पहले पहुंच जाते हैं।